कहाँ थे तुम इतनी देर? अरे जूही, कब आई तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारा मोबाइल भी स्विच ऑफ है। अरे मत पूछो, मेरी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। चलो अंदर चलकर बात करें। हाँ चलो। अब तुम आई हो तो कोई ना कोई तो खुशखबरी होगी। आओ जूही बैठो। राजीव, तुम्हारी इस रूम की हालत तो देखो जरा, सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, अच्छे से रख नहीं सकते हो क्या? क्या करूं, बैचलर जो ठहरा। इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर लो, मैं तो कब से तैयार हूँ। तुम भी ना जूही, फिर से शुरू हो गई। सॉरी बाबा सॉरी। ओके तुम बैठो, मैं अब भी चाय बना के लाता हूँ। छोड़ो यार, तुम क्या चाय बनाओगे, मुझे अच्छे से मालूम है। तुम ये कपड़े ठीक करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चलो हटो। बॉस करके बोल रहे थे कि वो इस बार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शुरू करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्म? मुझे एसिस करने के लिए कहा है और एक एसिस के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने तुम्हारा नाम लिया। इसका मतलब तुमने मेरी सिफारिश की है? ओहो, ईगो तो तुम्हारा नाक पर ही रहता है। इसे डायरेक्ट कौन कर रहा है? रंजीत सेतिया। तब तो मैं इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करने वाला। मुझे पहले ही मालूम था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे। देखो राजीव, रंजीत सेतिया मुझे भी पसंद नहीं है, पर मैं क्या करूं? इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए मैंने तुम्हें तो मना नहीं किया ना? अगर तुम रहोगे इस प्रोजेक्ट में तभी मैं काम करूंगी। ओहो, क्या बचपना है यार। अरे हाँ, असली बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। इस प्रोजेक्ट में एज ए एंकर काम कौन कर रही है तुम्हें पता है? कौन? वही जिसके ख्याल में तुम हमेशा खोए खोए से रहते हो। तुम्हारी सबसे पसंदीदा हीरोइन मिस अनुष्का शर्मा। आई सी अब तो नानी कहोगे ना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करूंगा। ओके बाय। बाय। कैसे याद किया? अच्छा अच्छा जी, डॉक्यूमेंट्री। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ ठीक है, ओके बाय। वाव, दोनों फिर से एक साथ। क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, मुझे क्या तकलीफ हो सकती है, मजे तो तुम ले रहे हो दोस्त। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं, सही कह रहा हूँ यार, कभी हमें भी तो सेवा करने का मौका दो। तपन तुम, सॉरी सॉरी माय डियर फैन, इतने क्यों गुस्से होती हो? मैं तो जस्ट मजाक कर रहा था। मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग हमेशा फालतू बात लेकर ही क्यों लड़ते हो? चलो राजीव। प्यार, एक्स और मोहब्बत। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग फिर से नए और अच्छे प्रोजेक्ट के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में डायरेक्टर रंजीत चेतिया जी आप लोगों को डिटेल्स में बताएंगे। थैंक यू माई जी। देखिए, हम लोगों ने मिलकर एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन इस बार चाय बागान के ऊपर
एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने जा रहे हैं और इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम होगा द ग्रीन गोल्ड, यानी हरा सोना। और इसका स्क्रिप्ट हमारे प्रीतम ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। इस डॉक्यूमेंट्री को अच्छी तरह से बनाकर हम लोग आने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भेजेंगे। असम की चाय वैसे भी तो वर्ल्ड फेमस है। हम ये आशा करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हम काफी फेमस हो जाएंगे और अच्छा खासा दाम भी मिलेंगे। श्योर श्योर, हम सभी का एक ही मकसद होना चाहिए, द ग्रीन गोल्ड को बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से बनाया जाए। जरूर बनेंगे। राजीव और जूही मुझे एसेस करेंगे। टपन फोटोग्राफी करेंगे और द ग्रीन गोल्ड के सूत्रधार यानी एंकरिंग करेंगे मिस अनुष्का शर्मा। शूटिंग की लोकेशन यहां से करीब 450 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ टी स्टेट। प्रतापगढ़ टी स्टेट काफी खूबसूरत है, वेरी ब्यूटीफुल। आज फ्राइडे है, कल सेकेंड हाफ में हम अपनी जर्नी शुरू करेंगे, तो आप सभी लोग अपने अपने जरूरत का सामान पैक करना शुरू कर दे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। सलाम सर। सलाम सलाम, क्या तिवारी, तुम्हारे पास के हालत अभी भी वैसा ही एकदम खटारा। इसको रंग वंग करवा करके टिप टॉप क्यों नहीं करवा लेते? अरे साहब, आपको तो मालूम ही है ये बात सिर्फ शूटिंग के बारे में ही चलती है और प्रोड्यूसर लोग ऊपर से लगा देते हैं बाकी, तो कैसे इस बात को टिप टॉप करवाए? बुरा मत मानिएगा साहब, आपका पिछले काम का भी कुछ बाकी है। होगा होगा, इस बार अगला पिछला सारा हिस्सा पूरा कर दूंगा। इस बात का जिक्र किसी और से नहीं करना, ठीक है? अरे नहीं साहब, ये बात आपकी और हमारी आपस की बात है। सब प्रोड्यूसर एक जैसे ही होते हैं। चल पिंकू, सामान उठा। उठा रहा हूँ उस्ताद। ए हीरो, ये बैग भी रख दे, जरा संभाल के। ठीक है बॉस। अबे गधे, एक बैग भी संभाल लीजिए, किसने रखा तुझे? क्या बात है? अबे साहब के बच्चे, एक ऐसा आदमी साथ में रखा, एक बैग भी संभाल नहीं सकता। गलती हो गया साहब, माफ करना। आपको ही दादागिरी शुरू कर दिया। ओ पिंकू, चल उसका सामान पटक दे। पटक दिया उस्ताद। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ दोस्त, कहाँ तक पहुंचे? क्या? कम ऑन यार, क्यों जानबूझ के अनजान बने रहे हो? I don't know. What do you say? Love story यार। What rubbish? फोटोग्राफर हूँ, आँख हमेशा खुले रखता हूँ। जूही और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं है, ओके? अच्छा? जो सच है वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। Shut up. You shut up. फिर से क्या हुआ तुम लोगों में? जूही तुम इस लफड़े में मत पड़ो। इसकी तो आदत है फालतू के बकवास करने की। हटो। यार, इक्स और मोहब्बत। ओ साहब आ गए। Oh.
साइकिल में किसके साथ आ रहा है? लगता है तुमको तो मैकेनिक मिल गया है। रात को क्यों नहीं आया? अरे उस्ताद, एक गांव पहुंचने में काफी देर हो गया और वो मैकेनिक भी घर पर नहीं था, इसीलिए मैं उस आदमी का घर पे ही रुक गया और सुबह होते ही मैकेनिक को साथ लेकर चला आया। जरा ठीक से देखना भाई साहब, क्या हुआ को समझ में नहीं आ रहा है। दे रहा हूँ, लीजिए 16 नंबर, लीजिए 16 नंबर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैकेनिक आ गया, जाने के लिए जल्दी तैयार हो जाओ। आप लोग का गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई है। चलो उस्ताद, हो गया, चलो चलो। दे रहा हूं। एक भी काम ठीक तरीके से कर नहीं सकते हो, गाधे कहेंगे। सुन मुझे दे। हट, मेरे ऊपर दादागिरी दिखाता है। एक दिन तुम्हारे सामान के साथ तुम्हें भी तोड़ के रख दूंगा, देखना। हाँ, अरे क्या हुआ रे? अरे यार, दादागिरी दिखाता है जब तक। ये आदमी ठीक नहीं है, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। राजीव, क्या कर रहे हो? कल होने वाले शूटिंग की स्क्रिप्ट ठीक कर रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर? ना, तुम दिल से नहीं कह रहे हो। अरे बाबा, कहा ना, अच्छी लग रही हो। फॉर्मेलिटीज करनी है इसीलिए तुम कह रहे हो। तुम्हें तो बस अनुष्का ही सुंदर लगती है। ओहो जूही, इसमें अनुष्का की बात कहाँ से आ गई? अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी दिल की बात कभी अनुष्का से कही है क्या? तो ये कैसे पता कि अनुष्का भी तुम्हें लाइक करेगी? वो तो बाद में देखा जाएगा। अच्छा, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम मुझे हेल्प नहीं करोगी? हेल्प? करूंगी यार। ये हुई ना बात। अनुष्का,
बिना मेकअप के भी तुम काफी सुंदर लग रही हो। थैंक्स। अनु, तुमसे एक बात करनी है। क्या बात? बात ऐसी है कि मैं मेरी अगली फिल्मों में एज ए हीरोइन तुम्हें लेना चाहता हूँ। क्या कर रही हैं आप? मुझे तुमसे प्यार हो गया अनु। I love you। मुझे छोड़ दीजिए आप। आप होश में नहीं है। तुम पास होती हो तो होश कहाँ रहता है? देखिए, छोड़ दीजिए मुझे। मैडम, मैं चिल्लाऊंगी। प्लीज लीव मी अलोन। I really love you, Anu. Just leave me alone. मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए, आप कौन सा शॉट लेंगे? नहीं, शॉट के बारे में नहीं, मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। क्या? देखो अनु, कल रात को जो मुझे उस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है। आई एम सॉरी, कल रात जो कुछ हुआ मैं उसके लिए काफी शर्मिंदा हूँ। ओके, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ध्यान रहे आइंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ ओके, मैं शॉट के लिए रेडी। ओके, ए ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कोई हेल्प चाहिए क्या? जूही, तुम ही ना। क्या देख रहे हो पितन? अरे यार पूछो मत, मोबाइल का बैटरी डाउन हो गया, चार्जर भी लाना भूल गए, बड़ा प्रॉब्लम हो गया यार। जरा दिखाना कौन सा मॉडल है। ये देख, ये मेरा वाला चार्जर से चार्ज हो जाएगा, डोंट बड़ी, रात को ले लेना। हाँ ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है क्या, हमारे यूनिट में एक खिचड़ी लव स्टोरी चल रही है। खिचड़ी लव स्टोरी? मैं कुछ समझा नहीं यार। अरे यार, चारों ओर आकर कान खुल के रखो, सब पता भी चल जाएगा और तुम्हें कहानी का अच्छा प्लॉट भी मिल जाएगा। पहले मत बुझाओ यार, जो कुछ कहना है खुलकर कहो यार। तो सुनो, हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जूही मन ही मन राजीव को चाहती है। अच्छा? हाँ, लेकिन राजीव जूही को अपना फ्रेंड मानता है, जस्ट ए फ्रेंड, क्योंकि राजीव मन ही मन अनुष्का को चाहता है। वेरी इंटरेस्टिंग। राजीव के दिल की बात अनुष्का को पता नहीं, और उधर हमारे डायरेक्टर साहब जनाब रंजीत छेतिया अनुष्का के नजदीक आने का कोशिश करते हैं, और इधर अनुष्का तो उसे भाव ही नहीं देती। लेकिन अनुष्का किसे चाहती है? ये तो भगवान ही जाने। अरे यार, ये तो सचमुच का खिचड़ी लव स्टोरी है। अरे उस्ताद, कल रात का नशा अभी भी उतरा नहीं है क्या? अरे इतना प्योर माल कहाँ से लाया था रे पिंकू, अभी भी झिमझिम कर रहा। अरे उस्ताद, ये तो अपुन का कमाल है, और यहाँ शहर की तरह कुछ भी डुप्लीकेट नहीं मिलता, हर चीज पे नशा है। अरे यहाँ पर तो हर चीज में नशा, यहाँ पर भी नशा, वहाँ पर भी नशा। ए लड़की, तुम लोग क्या शूटिंग देखने के लिए आए हो? जी हाँ, क्या आप लोग भी शूटिंग देखने के लिए आए हो? हम लोग शूटिंग देखने के लिए नहीं, शूटिंग करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप लोग फिल्म वाले हो? जी हाँ, हम लोग फिल्म बनाते हैं।
अरे तुमको भी बना देंगे हीरोइन, तब लोग तुम्हें भी देखने के लिए आएंगे। जरा पास तो आओ मेरे रानी। अरे अरे क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ। अरे उस्ताद छोड़ो ना, छोड़ दीजिए ना उस्ताद। ए छोड़ो छोड़ो मेरी बहन का हाथ, छोड़ो। छोड़ो अभी झूठ और सच का फैसला हो जाएगा। मुझे बचा लो साहब, मुझे बचा लो। छोड़ो छोड़ो मुझे, देखता हूँ मेरे हाथ से तुझे आज कौन बचाता है। रंजीत जी आज का शूटिंग यहीं पे पिकअप करते हैं, वरना ये लोग भड़क जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक कह रहे हैं आप। पिकअप। तपन जरा मोबाइल का चार्जर देना। वो टेबल पर रखा है ले लो। थैंक यू। प्रीतम तूने वो नई कहानी के बारे में क्या सोचा है? कौन सी कहानी? अरे वही कहानी मैंने जो बताया था, खिचड़ी लव स्टोरी। अच्छा वो लिखूंगा, जरूर लिखूंगा, पर खिचड़ी को जरा और पकने तो दो। क्या समझ रखा आप लोग, हमारी क्या कोई इज्जत नहीं है? मकान के मजदूर हुए तो क्या हुआ, उसको तो मैं। भैया किससे बातें कर रहे हो? वो घटिया बस ड्राइवर, आज बच गया वो मेरे हाथों से। ओहो तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारा गुस्सा भी ना। लो पानी पियो, सारा गुस्सा ठंडा हो जाए। नहीं चाहिए मुझे। ओहो क्या सोचता है वो अपने आप को, मेरी बहन के ऊपर हाथ लगाएगा और मैं चुपचाप देखता रहूंगा? अगर लोग बीच में नहीं आते तो मैं आज उसका हाथ ही तोड़ देता। लगा तो दिया ना दो चार ठीक से। और भैया आप यहाँ आग उगल रहे हो और वो वहाँ आराम से सो रहा होगा। मैं उसे सोने दूंगा? अगर वो मुझे दोबारा मिल गया तो मैं उसे जान दूंगा। अरे भैया रुको, कहाँ जा रहे हो, न जाने अब क्या होगा। हे भगवान। एक बात बताइए, आप लोगों में से सबसे पहले इस लाश को किसने देखा था? साहब मैंने देखा था। जनाब आपकी तारीफ। जी मेरा मतलब आपका नाम और परिचय। मेरा नाम पिंकू और मैं इस बास का हैंडीमैन हूँ। अच्छा तो आप है इस बास का हैंडीमैन और आफी ने ड्राइवर की लाश को सबसे पहले देखा था, एम आई राइट? जी सर। पिंकू कल रात क्या हुआ था जरा डिटेल्स में बताओ,
सारा दिन शूटिंग के बाद हम लोग सब गेस्ट हाउस आ गए और मैं और उस्ताद खाना वाना खाने के बाद अपने गाड़ी पे बैठ के बातें कर रहे थे। ये उस्ताद कौन है? उस्ताद मेरा मतलब ये ड्राइवर तिवारी जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और बातें करते करते मुझे जोर से लग गया और मैं जरा हल्का होने चला गया और आके देखता हूँ कि मेरे उस्ताद पड़े हुए हैं और नजदीक जाके देखता हूँ कि वो उसको किसी ने खून कर दिया। तुम सच कह रहे हो ना? माय बाप की कसम साहब, एकदम सच कह रहा हूँ। सर कहिए मिस्टर कलिता। मुझे लगता है खून इसी ने किया होगा। ओहो मिस्टर कलिता, मैंने कितनी बार कहा है जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। सॉरी सर। एक बात बताइए आप लोग, क्या ड्राइवर तिवारी की यहां किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? वैसे किसी का साथ तो कोई दुश्मनी नहीं था, पर कल शूटिंग के दौरान किसी एक लड़की को लेके इसी बगान के एक लड़के के साथ तिवारी का कुछ झगड़ा हुआ था। झगड़े की वजह? मतलब उसी लड़के के बहन को तिवारी ने छेड़ा था और उसी बात को लेके झगड़ा हुआ था। ओह आई सी। तो आप लोग उस लड़के को पहचानते हैं? जी साहब, उसका नाम बिरसा है और वो इसी बगान में रहता है। इंस्पेक्टर खान, yes? आप एक काम कीजिए, आप तुरंत इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। ओके। और हम लोग जरा बिरसा से मिलके आते हैं, ठीक है? गुड। और एक बात, जब तक मैं ना आऊं आप लोग इस गेस्ट हाउस में ही रहेंगे। लेट्स गो। मुझे तो लगता है खूनी इन्हीं में से कोई एक है। देखते हैं। आप लोग? सीआईडी मिस्टर कपूर, आई मीन शक्ति कपूर, और यह है मेरा असिस्ट मिस्टर कलिता, और आप मिस मीनाक्षी कुर्मी, एम आई राइट? जी हाँ, पर अंदर नहीं बुलाओगी? आइए। बिरसा कहाँ है? जी वो तो घर पर नहीं है, पर वो घर पर नहीं है तो कहाँ गया? पता नहीं, वो तो कल रात को ही घर से गया था लेकिन अब तक लौटा ही नहीं। इसका मतलब कल रात से ही बिरसा गायब है। सर मैंने तो आपको पहले कहा था कि बिरसा ने ही ड्राइवर तिवारी का खून किया है। ओहो मिस्टर कलिता, मैंने पहले भी कहा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लिया कीजिए। सॉरी सर। इट्स ऑल राइट। देखिए देवी जी, कल फिल्म के शूटिंग के दौरान आपको लेके ड्राइवर तिवारी और बिरसा के बीच कुछ झगड़ा मारपीट वगैरह वगैरह हो गया था। जी साहब, उस ड्राइवर ने मुझसे कहा था वो मुझे हीरोइन बना देगा। अच्छा। मेरी हाथ पकड़ के खींच रहा था, उसी वक्त मेरे भाई बिरसा आकर उसकी खूब पिटाई की। फिर
फिर मौका देकर वो ड्राइवर वहां से भाग गया। और कल रात को ही उस ड्राइवर का खून हो गया। क्या खून? जी हाँ, खून। और खून तुम्हारे भाई बिरसा ने ही किया है। नहीं नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। अंदर कोई नहीं है साहब। भाग गया, लेकिन मेरे हाथ से भाग कर जाएगा कहाँ? हर हाल में उसको गिरफ्तार करके ही मैं दम लूंगा। साहब, मेरा भाई गुस्से वाला जरूर है, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता। खून नहीं किया तो भागा क्यों? अच्छा, तुम एक काम करो, अगर बिरसा यहाँ आया तो उसको अच्छी तरह से समझा देना कि पुलिस की आंखों में धूल झुकना इतना आसान काम नहीं है। और अगर उसने खून किया ही नहीं तो डर किस बात का? वो जितना भागेगा पुलिस का शक उस पे ज्यादा जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि वो आकर मुझसे मिले। देखो, मैं वादा करता हूं, वो अगर खूनी नहीं है तो उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है साहब। लेट्स गो। यस सर। आखिर किसने किया होगा तिवारी का खून और क्यों? कैसे कहे, तिवारी का खून किसने किया होगा? मुझे तो लगता है कि तिवारी का खून बागान का उस लड़के ने ही किया होगा, क्योंकि उसने तिवारी को जान से मारने की धमकी दी थी। क्या जरूरत था तिवारी को उस लड़की को छेड़ने के लिए? अब यह मेरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया, पैसे भी बर्बाद, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनुष्का जी, क्या सोच रही हो? यही कि तिवारी का कातिल पकड़ा जाएगा। पुलिस और सीआईडी कातिल को तो ढूंढ ही रही है। लेकिन मुझे बहुत टेंशन है। ज्यादा टेंशन मत लो, हम लोग है ना। वो तो है, लेकिन 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 क्या कातिल सचमुच पकड़ा जाएगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा कि खून किसने किया होगा। आखिर कौन हो सकता तिवारी का दुश्मन जिसने उसकी जान ही ले ली? जो भी हो, हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाए। कहाँ फंस गए यार, मैं तो इस प्रोजेक्ट में काम करना ही नहीं चाहता था। हमें क्या पता था कि यहाँ ये सब होने वाला है। अब होनी को कौन टाल सकता है? शूटिंग के दौरान आपने बहन के साथ छेड़छानी को लेके बिरसा और तिवारी का बीच में झगड़ा हुआ और उसी रात तिवारी का किसी ने खून कर दिया। उधर कल रात से बिरसा गायब है, इसका मतलब जोश में आके बिरसा ने तिवारी का कत्ल किया और अब पकड़े जाने का डर से वो भाग रहा है। लेकिन कभी ना कभी बिरसा अपनी बहन मीनाक्षी से मिलने जरूर आएगा और हमें उस लड़की पे कड़ी नजर रखनी होगी। मिस्टर कलिता। यस सर। आप बिरसा के बहन के ऊपर कड़ी नजर रखिएगा। लेकिन सर, बिरसा कौन? अरे, जिसका ऊपर हमें डाउट है, जो गायब है। ओके सर, लेकिन बिरसा का बहन कौन? ओहो, जिस लड़के से हम मिलकर आए हैं वही बिरसा का बहन मीनाक्षी है। तो क्या सर, बिरसा का बहन ने तिवारी का खून किया है? ओहो, जरा ध्यान से सुनो। समझ गया सर, आज से मैं उस लड़की पर कड़ी नजर रखूंगा। गुड।
डाइवर के खून के सिलसिले में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे मालूम है और इसीलिए तो मैं यहाँ वहाँ भाग रहा हूँ। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों? मैंने उस ड्राइवर का खून नहीं किया, मैंने किसी का भी खून नहीं किया, मुझ पर विश्वास करो मीनाक्षी। अगर तुमने खून नहीं किया तो पुलिस से क्यों भाग रहे हो? वो इसलिए कि मैं पुलिस से भाग रहा था। तो अब क्या होगा? लगता है कि कोई मुझे इस खून के सिलसिले में फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन और क्यों? अब तो इसी बात का पता लगाना है कि वो है कौन। हाँ बोल, क्या बात है? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, घबराई मत, हो जाएगा। यस सर, ये ड्राइवर तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गुड, थैंक यू, वेलकम। की मां कब तक खैर मनाएगी? कहिए इंस्पेक्टर। मैं यही हूं सर। आप एक काम कीजिए, आप अभी गेस्ट हाउस जाइए और वहां ठहरे हुए सभी लोगों का फिंगरप्रिंट लेके आइए। कलिता प्लीज। ओके सर। इसका क्या जरूरत है मिस्टर कलिता? आप भी तो कातिल हो सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? तो क्या खून आपने की है? मैं मेरा मतलब, इसका मतलब खूनी कोई भी हो सकता है। आप या फिर आप हर खूनी यही कहता है। तो सभी अपने अपने फिंगरप्रिंट एक एक करके उस कागज पे दीजिए। अब बहुत जल्द तिवारी का कातिल पकड़ा जाएगा।
यस इंस्पेक्टर, कहिए। तिवारी के गालों पर जो उंगलियों का निशान मिला था वो निशान आपके भेजे हुए किसी भी निशान से मैच नहीं करता। इसका मतलब यूनिट के किसी भी मेंबर ने ड्राइवर तिवारी का खून नहीं किया, असली कातिल कोई और है, यानी कि बिरसा ने ही यह खून किया होगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था सर कि खून बिरसा नहीं किया है। शायद आपने ठीक ही कहा था कलिता। थैंक यू सर। अच्छा कलिता। यस सर। हमें अभी जल्द से जल्द बिरसा को ढूंढ के गिरफ्तार करना होगा। यस राइट नाउ। यस सर। कितने दिन हमें इस तरह से रहना होगा? समय पर अगर काम खत्म नहीं हुआ तो मेरे सारे शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगी। इस डॉक्यूमेंट्री पर मेरा पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा है, साथ में पैसा भी बर्बाद हो रहा है। मेरा हालत तो धोबी का कुत्ता जैसा हो गया, ना घर का ना घाट का। लेकिन हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया है मेरे दिमाग में। क्या? देखिए, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक हमें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे ही बैठे रहने से अच्छा है, क्यों ना हम शूटिंग शुरू कर दें। वेरी गुड आइडिया। लेकिन क्या हमें शूटिंग करने के लिए इजाजत मिलेगी? शायद मिल भी जाए, हमें एक बार उस सीआईडी इंस्पेक्टर से बात करनी चाहिए। ओके। तो आप लोग शूटिंग करना चाहते हैं? जी। देखिए, ऑलरेडी हमारे काफी नुकसान हो चुका और ठीक है आप लोग शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन एक बात है, आप लोग शूटिंग सिर्फ इस बागान के सीमा के अंदर ही कर सकेंगे, बाहर नहीं। नो प्रॉब्लम सर, हम लोग बागान के अंदर ही शूटिंग करेंगे। गुड, तो हम लोग जा सकते हैं सर? हाँ, जाइए आप लोग शूटिंग कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर कहिए। मिस्टर कलिता, हमारे मन में भी शूटिंग देखने की इच्छा जागृत हो रहा है सर। हाँ मिस्टर कलिता, हम लोग यहाँ शूटिंग देखने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ तहकीकात करने के लिए आए हैं। तहकीकात, माइंड इट। सॉरी सर। साहब जी, कहिए, किससे मिलना है आपको? मैं दरअसल आप ही से मिलने को आया था। कहिए, क्या काम था? जी, मेरा नाम है बिरसा।
बिरसा को। What? मैं कातिल नहीं हूं। मैंने तिवारी का खून नहीं किया। मां भवानी की कसम, मैं कातिल नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। बैठो। उस दिन शूटिंग पे तुम्हारे और तिवारी के बीच झगड़ा हुआ था और तुमने तिवारी को जान से मारने की धमकी भी दी थी, क्या ये सच है? जी हां साहब, तिवारी ने मेरी बहन को छेड़ा था और इसी बात को लेकर हम दोनों में झगड़ा हो गया था और गुस्से में आके मैंने तिवारी को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन मैं सच कह रहा हूं साहब, मैंने तिवारी का खून नहीं किया। हर खून यही कहता है, तिवारी का खून इसने किया होगा सर। नहीं नहीं साहब, ये गलत है, मैं सच कह रहा हूं। इसका क्या गारंटी है कि तुम सच कह रहे हो? देखिए साहब, अगर मैंने तिवारी का खून किया होता तो क्या मैं आप लोगों से मिलने को आता? शायद तुम सच कह रहे हो या फिर शायद झूठ कह रहे हो, इसका फैसला तो बाद में हो ही जाएगा। लेकिन एक बात कहो बिरसा, अगर तुमने वाकई तिवारी का कत्ल नहीं किया तो फिर पुलिस से भाग क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुम एक काम करो, तुम फौरन पुलिस स्टेशन चले जाओ। पुलिस स्टेशन? घबराओ मत, मैं वादा करता हूं अगर तुमने खून नहीं किया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम इस तरह भागते फिरोगे तो हमारे लिए असली खूनी को पकड़ना काफी मुश्किल हो जाएगा, कुछ समझा? जी जी साहब। तुम सीधे थाने जाके इंस्पेक्टर खान से मिलो और मैं उन्हें फोन कर दूंगा, ठीक है? तुम अभी जाओ। जी सर। लेकिन सर, यस खान हियर। हेलो इंस्पेक्टर। गुड, ठीक है ठीक है। से सर।
ए, क्या कर रहे हो? तुम दोनों इतने अच्छे लग रही हो यार, मुझसे रहा नहीं गया। कसम से। ए, कैमरा दो। नहीं दूंगा। क्या यार, फोटो में तुम लोग कितने अच्छे लगते हो, एकदम परफेक्ट कपल। मैंने कहा ना कैमरा दो। नहीं दूंगा, जा, क्या कर ले? दे, मैंने कहा ना नहीं दूंगा। दे, मैंने कहा ना नहीं दूंगा। छोड़। मैं नहीं दूंगा। छोड़ो तुम। नहीं दूंगा। तुम दोनों क्या बच्चों की तरह झगड़ रहे हो? और तुम्हें क्या जरूरत थी हमारी फोटो खींचने की? मुझे अच्छा लगा, मैंने खींचा। दोबारा खींचा तो तुम्हें और कैमरा दोनों को तोड़ दूंगा। देख लेंगे। अच्छा होता कातिल तिवारी की जगह इसका ही खून कर देता। पता नहीं कब तक हमें यहाँ इस तरीका से रहना होगा। मैं तो चाहता हूँ खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। वो तो मैं भी चाहती हूँ कि खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और नहीं तो क्या? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। मैं तुम्हारे चेहरे देख के ही कह सकती हूँ कि तुम किसी बहुत गहरे सोच में डूबे हुए हो। तुम भी ना जूही, मैं उस तपन के बारे में सोच रहा था। क्या जरूरत थी उसे हमारी फोटो खींचने की? ओहो, अभी तक तुम उसी बारे में सोच रहे हो। देखो राजीव, कुछ लोगों की आदत ही होती है दूसरों की टांग खींचने की। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। अब उसे तुम बदल नहीं सकते हो ना, उसे अवॉइड करो। मैं तो उसे अवॉइड ही करता हूँ, फिर भी अगर वो इस बार कोई लफड़ा करता है तो तुम देख लेना, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। चलो, काफी रात हो चुकी है, मुझे तुमसे स्क्रिप्ट के बारे में कुछ डिस्कस करनी है। चलो अंदर चलो। चलो काफी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे यूनिट में, टेंशन ही टेंशन। अरे यार, तू भी ना कुर्सी पे ही सो गए? तेरा चार्जर ले रहा हूं मैं। तपन 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 एक ही तरीके से कत्ल किया गया है, गले में ब्लेड और लगता है यह कत्ल भी उसी ने किया होगा जिसने तिवारी का खून किया है। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सर, आपसे कुछ बात करनी है। कहिए। इंस्पेक्टर खान, आप इन लोगों का स्टेटमेंट ले लीजिए। चलिए चलिए, आप लोग आइए। मिस्टर राजीव, तो मिस्टर राजीव बरथाकुर, चंद सवाल पूछना है आपसे।
हमने सुना है कि तपन और आपके बीच में काफी समय से प्रॉब्लम थी। शूटिंग के दौरान आप दोनों में किसी बात को लेके झड़प भी हुई थी। जी, काफी दिनों से हम दोनों के बीच कुछ पर्सनल बातों को लेकर प्रॉब्लम तो थी, और ये भी सच है कल हम दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। और इसीलिए कल रात को मौका देकर आपने तपन का खून कर दिया। Am I right? नहीं सर, ये गलत है, बिल्कुल गलत। इसके साथ मेरी दुश्मनी थी, लेकिन मैंने तपन का खून नहीं किया। हर खूनी यही कहता है। सर, खून इसी ने किया है। ओहो मिस्टर कलिता, मैंने कितनी बार कहा है जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लिया कीजिए। सॉरी सर। तो मिस्टर राजीव, ये बताइए कि तपन के किसी और के साथ भी कोई दुश्मनी थी? एक्चुअली सर, तपन जरा गर्म मिजाज का था, और वो छोटी छोटी बातों को लेकर किसी से भी झगड़ा मोल लेता था। सारे लोग का स्टेटमेंट तो ले लिया, लेकिन ये हैंडीमैन पिंकू कहीं दिखाई नहीं। तो जाइए उसे ढूंढिए। चलता हूं। ये अचानक पिंकू कहां गायब हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर, कहीं वो तपन का खून करके भाग तो नहीं गया? ये कैसे हो सकता है? हर कोई कह रहा है तपन हमेशा छोटी छोटी बातों को लेके पिंकू के साथ झगड़ा मोल लेता था। कहीं गुस्से की मारे पिंकू ने ही तपन का खून तो नहीं कर दिया? सोचने वाली बात यह है कि जब तिवारी का खून हुआ तो सबसे पहले उस लाश को पिंकू ने देखा था, और अब तपन का खून हो गया है और पिंकू भी गायब है। कहीं इन सब का कोई कनेक्शन तो नहीं? इस सवाल के जवाब के लिए पिंकू का होना बहुत जरूरी है। ठीक कहा आपने, पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये पिंकू गया कहां। इसका भी खून एक ही तरीके से किया गया है, गले में प्लेट मारा। ये हो क्या रहा है? एक के बाद एक खून, वो भी एक ही तरीके से। यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, आखिर हमारी यूनिट वालों के साथ किसका दुश्मनी हो सकता है? इससे पहले कि चौथा खून हो जाए, हमें हर हाल में कातिल को पकड़ना ही होगा। राइट सर।
अनुष्का, तुम जाने की तैयारी कर रही हो? हाँ, कल सुबह ही मैं इस मनहूस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। ये जगह खतरों से खाली नहीं है, और मेरी मानो तो तुम लोग भी अपना सामान पैक कर लो। लेकिन उस सीआईडी ऑफिसर ने तो हमें ये गेस्ट हाउस छोड़ के जाने के लिए मना किया था। मैं किसी की भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। वैसे भी क्या कर लिया उस सीआईडी ऑफिसर ने? हाँ, दो खून हो चुके हैं। क्या खूनी पकड़ा गया है? मैं तो बस जा रही हूँ। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन खून, और वो भी हमारे ही यूनिट के लोग। ये हो क्या रहा है? वही तो, हमारे यूनिट के लोगों के साथ किसी का क्या दुश्मनी हो सकता है? और सबका खून एक ही तरीके से किया गया है, तेज धार वाली ब्लेड से गला काटकर, ताकि किसी के भी बसने की कोई उम्मीद ही ना रह जाए। अनुष्का अपना सारा सामान पैक कर रही है यहाँ से जाने के लिए। मेरे ख्याल से हमें भी अपना सारा सामान पैक कर लेना चाहिए। ठीक कहा है तुमने, ये जगह खतरे से खाली नहीं है, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहिए। चलो हम भी अपना अपना सामान पैक कर लेते हैं। मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले हमें एक बार सीआईडी ऑफिसर से जरूर मिलना चाहिए। गुड आइडिया, तुम ठीक कह रहे हो। सच कहो तो मेरा नसीब ही खराब है, अब लगता है ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूरी नहीं होगी। मेरा तो करियर ही खत्म। यहाँ सबकी जान की परी और तुम्हें अपनी करियर की चिंता है? मेरा सारा पैसा बर्बाद हो चुका है, मैं तो ये लाइन ही छोड़ना चाहता हूँ। बस जैसे तैसे यहाँ से जान बचा करके चले। सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, लेकिन अचानक ये कैसी अनहोनी हो गई। लो, लाइट भी चली गई। ओह, तुम्हारे पास टॉर्च या मचिस वगैरह कुछ रखा है क्या? मेरा पास तो नहीं है। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। कौन? चुप, छोड़ दो उसको। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो गोली चला दूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो गया मिस्टर, छोड़ दो उसको। आखिर तुम मेरे बिछाए हुए जाल में फंस ही गए। खूनी जितना भी चला क्यों ना हो, एक ना एक गलती वो करता ही, जैसे आज तुमने किया है। मगर ये है कौन और यूनिट के लोगों को खून क्यों कर रहा है? क्यों? बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा है क्या मिस्टर? चाल तो तुमने बहुत अच्छी चली थी, खून तुम कर रहे थे और सारे इल्जाम बिरसा पर आ रहा था, पर तिवारी का खून होने के बाद बिरसा को गिरफ्तार करने गया था और ये बात किसी को भी मालूम नहीं था, कातिल को भी नहीं। बाद में हमें फिंगरप्रिंट के जरिए ये पता चला कि बिरसा कातिल नहीं है, असली कातिल कोई और है। तब हमने अपना जाल बिछाया। वजह तो हमें मालूम नहीं थी, पर इस बात का अंदाजा था कि कातिल शायद फिर से यूनिट वालों को अटैक कर सकता है, और इसीलिए हमने आप लोगों को यहां से जाने के लिए मना किया। मगर अफसोस, इसी दौरान तपन और पिंकू का खून हो गया। पर इन लोगों का तुमने क्यों खून किया? क्या दुश्मनी थी इन लोगों का साथ तुम्हारा? बदला ले रहा था मैं इन लोगों से। बदला? किस बात का बदला? ये बहुत लंबी कहानी है साहब, बहुत लंबी। मैं और मेरी बहन रूपा, हम दोनों का एक छोटा मगर एक खुशहाल परिवार था।
मगर इन फिल्म वालों के कारण मेरा परिवार भी चढ़ गया। सब कुछ खत्म हो गया साहब, सब कुछ खत्म हो गया। मैं कभी इसी चाय बागान में काम किया करता था साहब। घर में मैं और मेरी बहन रूपा, ऐसा लगता है कि सारी सारी दुनिया घूम रही है। अरे बाप रे बाप। लेकिन रूपा ये तो बता, इतनी खुशी किस बात की है? कोई लॉटरी उटरी लगी है क्या? हाँ भैया, लॉटरी ही लगी है। लॉटरी? अरे मैंने तो कोई लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी थी, फिर ये लॉटरी लगी कैसे? कहीं तुमने खरीदी थी क्या? ओफो भैया, मैं उस लॉटरी की बात नहीं कह रही हूँ। अरे तो फिर कैसी लॉटरी? भैया हमारे बगान के जो अर्जुन भैया है ना, अर्जुन भैया। कौन अर्जुन? वही जो गुवाहाटी में रहता है। गुवाहाटी में अर्जुन? ओफो, जो सिनेमा में काम करता है, वही दुलाल चाचा का बेटा। अरे तो ऐसे कहो ना अपना दुलाल का बेटा। क्या हुआ उसको? हुआ कुछ नहीं, अर्जुन भैया आया है और कह रहा है कि इस बार वो मुझे अपने साथ लेके जाएगा गुवाहाटी सिनेमा में काम दिलाने के लिए। अरे वो तुम्हें क्या काम दिलवाएगा? उसकी जितनी भी फिल्में देखी है ना, सब में हीरो से मार खाता रहता है, नालायक कहीं का। अरे गुंडा है वो, गुंडा। वो तो सिनेमा में गुंडा बनता है भैया, असली जिंदगी में तो नहीं। अरे पता है, तुमने मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है? तो मैं उसके साथ जाऊं? लेकिन रूपा इतनी दूर और वो भी अकेले। अकेले कहाँ हूँ मैं, अर्जुन भैया भी तो साथ होंगे ना। मना मत करना भैया प्लीज, यही तो मेरा ख्वाब है, सिनेमा में काम करना, हीरोइन बनना। इजाजत दो ना भैया प्लीज। अगर इसी में तुम्हारी खुशी है तो फिर ठीक है, जाओ रूपा जाओ, मेरी इजाजत है। ओफो भैया, मैं कितनी खुश हूँ, मैं फिल्मों में काम करूंगी, हीरोइन बनूंगी। अरे वाह, मैं एकदम ठीक समय पे आई हूँ। ए रूपा, तुम्हें तो पार्टी देनी पड़ेगी, कह दिया। अरे हाँ। पहले इसे हीरोइन तो बनने दे। रघु भैया, अब आप ये समझ लीजिए कि मेरी सहेली हीरोइन बन गई है, अब हम भी जाएंगे टिकट कटा के तेरी फिल्म देखने के लिए। चल रत्ना अंदर चल, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो चल। देख रूपा, हीरोइन बनने के बाद मुझे भूल मत जाना, मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली हूँ, याद रखना। मैं तुझे कैसे भूलूंगी मेरी जान, तुमने ही तो मुझे हीरोइन बनने के सपने दिखाए थे और अब वो पूरा होने जा रहा है। और रत्ना, मैं कितनी खुश हूँ कि मैं तुझे बता नहीं सकती। बताने की जरूरत भी नहीं है, सोते जागते उठते बैठते सिर्फ सिनेमा ही सिनेमा। अच्छा वो सब छोड़ो, जा कब रही हो? अगले सोमवार को। रत्ना कहो। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके जा रही हूँ। क्या? देख रत्ना, मेरे अलावा भैया की इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मैं भी उनसे दूर रहूंगी, तो भैया का ख्याल तुम्हें ही रखना है। अरे पगली, ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं रघु भैया का पूरा ख्याल रखूंगी। शुक्रिया मेरे दोस्त।
मेरी बहन की खुशी में ही मेरी खुशी थी साहब, और इसलिए मैंने उसे शहर जाने की इजाजत भी दे दी। और एक दिन अपने सपने को साकार करने के लिए वो हमसे दूर जाने को तैयार हो गए। भैया जाओ बहना, अपने सपने को साकार करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपना ख्याल रखना भैया। वाह कितना अच्छा ट्रेजेडी सीन चल रहा है यहाँ पर। अरे जल्दी चलो, अर्जुन बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा होगा। भैया मैं इसे बस स्टेशन तक छोड़ के आती हूँ। ठीक है रत्ना, इसे अच्छी तरह से बस में चढ़ा देना। समय बीतता चला गया। इधर रूपा की जगह रत्ना मेरा ख्याल रखती थी, और उधर मेरी बहन को काम दिलाने के लिए अर्जुन अपने जान पहचान वाले प्रोड्यूसर से मेरी बहन रूपा को मिलाने लगा। और एक दिन इस कमीने रंजीत से मेरी बहन रूपा को मिलाया गया। सकल सूरत तो अच्छी है, काम मिलेगा, पर एक प्रॉब्लम है। क्या सर? कुछ फोटो तो है तुम्हारे पास? फोटो? हाँ है ना सर। इससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें एक फोटो सेशन करना पड़ेगा। लेकिन सर, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं, हर इंतजाम मैं कर दूंगा। हेलो तपन। वक्त गुजरने लगा, रूपा धीरे धीरे इन दोनों के जाल में फंसती चली गई। एक दिन अपने फिल्म में काम देने के बदले रंजीत ने मेरी बहन रूपा के सामने एक शर्त रखी। ये आप क्या कह रही हो सर? छी छी छी, इस तरह की बात करते हुए आपको शर्म होनी चाहिए। शर्म? किस बात के शर्म देवी, ये तो सभी करते हैं। यही तो ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है। देख रूपा, तुम अपनी पुरानी ख्याल को छोड़ दो और अपनी भविष्य के बारे में सोचो। यहाँ नाम है, पैसा है, ग्लैमर है, और ठोकर मरती हूँ मैं ऐसा नाम, पैसा और ग्लैमर को। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। रुको बेबी, जाने से पहले कुछ देख के तो जाओ, जरा इसे तो देखो। तस्वीर तुम्हारी है ना? हाँ, मगर इस तरह की तस्वीर मैंने तो नहीं खींची थी। किस किस को कहोगी, कौन मानेगा तुम्हारी बात? आम तौर पर फिल्मों में काम पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। अगर ये सब फोटो किसी मोबाइल पे चला गया तो चला जाएगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो सोच लो। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज सर, ऐसा मत कीजिए।
नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा, अगर तुमने मेरी बात मान ली, वरना और इस तरह मेरी बहन को धोखे से फंसाकर रंजीत और तपन उसकी जिंदगी के साथ खेलने लगे। और एक दिन रूपा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। वो परेशान हो गई और रंजीत से मिलने के लिए उसके घर में गई। तुम क्या कहना चाहती हो रूपा? इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं? हाँ, तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। व्हाट रविश, तुम सोचते क्या हो? तुम्हारी इस बकवास को मैं मान लूंगा? बकवास? बकवास नहीं है ये, सच कह रही हूँ मैं, विश्वास करो मेरा। विश्वास? माफ करना बेबी, ये जो लव से ना विश्वास, इसे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता, और मेरी सलाह मानो, तुम भी मत करना। ठीक कहा है तुमने, मैंने तुम्हें विश्वास किया, उसी का नतीजा भुगत रही हूँ। पर याद रखना, मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं इस चेहरे से नकाब उतार के रहूंगी, बदनाम कर दूंगी मैं तुम्हें। बदनाम? मेरा बदनाम? बदनाम तुम्हारी होगी, मैं एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर हूँ। यू ब्लडी रास्कल, चिल्लाओ मत। किसी और की पाप को पेट में लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही हो? रूपा की सारी आशाएं, सारी उम्मीदें सब खत्म हो चुकी थी, और एक दिन वापस वो अपने घर चली गई, मेरे पास, अपने भाई के पास। उसकी सारी बातें सुनने के बाद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ अंधेरा सा छा गया। क्या करूं क्या नहीं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रूपा को मैं डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ किया तो रूपा की जान भी जा सकती है, और मैं रूपा को खोना नहीं चाहता था, किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। और इसी तरह समय गुजरता चला गया, हम मर मर के जी रहे थे, और एक दिन रूपा।
रूपा चली गई, मेरी जिंदगी उजड़ गई। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। मन में ख्याल आया कि मैं खुदकुशी कर लूं, खत्म कर लूं अपने आप को। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों मारूं मैं अपने आप को, क्यों? अगर मैंने खुदकुशी कर ली तो ये दरिंदे बच जाएंगे, और जब तक ये दरिंदा जिंदा है मेरी बहन की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। मुझे बदला लेना होगा, रूपा की मौत का बदला। और उस रात जब आप लोगों की बस खराब हुई और मैकेनिक लाने के लिए हैंडीमैन मेरे साथ गया, उसी से मुझे पता चला कि इस फिल्म यूनिट में रंजीत और तपन भी हैं। उनके नाम सुनते ही मेरे अंदर सोई हुई बदले की भावना जाग उठी। मैं बदला लेना चाहता था, रूपा की मौत का बदला। मैं बदला लेने के लिए मौका ढूंढने लगा। मुझे नफरत है इन फिल्म वालों से। मैं तो सबको खत्म कर देना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि हर फिल्म वाले बुरे नहीं होते, और तब मैंने अपना इरादा बदला और तपन और रंजीत को मारने का प्लान बनाया। तपन को तो मैंने मार दिया, मगर अफसोस कि मेरे हाथों से रंजीत बच गया। लेकिन तुमने ड्राइवर तिवारी और हैंडीमैन पिंकू का क्यों खून किया? ड्राइवर तिवारी का खून मैंने इसलिए किया क्योंकि उसने बिरसा की बहन मीनाक्षी के साथ छेड़खानी की थी। और पिंकू को? मैं पिंकू को नहीं मारना चाहता था साहब, नहीं मारना चाहता था। लेकिन पिंकू ने मुझे तपन का खून करते हुए देख लिया, और पिंकू मुझे अच्छी तरीके से पहचानता था, इसलिए मुझे मजबूरन पिंकू का भी खून करना पड़ा साहब, पिंकू का भी खून करना पड़ा। आप जैसे इंसान की वजह से ही फिल्म वालों को लोग गलत समझते हैं। फिल्म एक कला है, आर्ट है, लेकिन आप लोगों ने इस प्रोफेशन को बदनाम करके रख दिया है। रघु को तो मैं गिरफ्तार करूंगा ही, लेकिन रघु को खूनी बनने पर मजबूर करने की वजह से मैं आपको भी गिरफ्तार करता हूं मिस्टर रंजीत चतिया। आइए इंस्पेक्टर खान, आइए, मेहमान आपके ही इंतजार में है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नो इंस्पेक्टर, नो, इट्स माय ड्यूटी। रघु, मैं कोशिश करूंगा अदालत तुम्हें कम से कम सजा दे। चला जाए रघु, आओ। इंस्पेक्टर खान। यस। उई! देख रूपा, देख, मैंने बदला ले लिया रूपा, देख, मेरा 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 इंतकाम पूरा हुआ। अब चाहे अदालत मुझे फांसी दे दे, मुझे कोई डर नहीं, मेरा मेरा इंतकाम पूरा हुआ, मेरा मेरा बदला पूरा हुआ। मेरा मेरा बदला